वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए क्या खाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 भारतीय खाद्य पदार्थों के बारे में जो फेफड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चुकंदर की। चुकंदर जिसको बीट्स बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रेट्स होता है। नाइट्रेट्स क्या होता करता है, हमारे फेफड़ों के जो काम है फंक्शनिंग को उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है तथा जो हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं उसमें हेल्प करता है। चुकंदर आप किसी रूप में भी खा सकते हैं, इसको आप सलाद में खा सकते हैं, इसको आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं, इसका जूस वगैरह भी आप पी सकते हैं। हफ्ते में आप 5 दिन एक चुकंदर अगर खाएंगे तो आपके लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा होता है नील बद्री जिसको ब्लूबेरीज बोलते हैं, दक्षिण भारत में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर एंटी एलर्जिक और सूजन विरोधी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये हमारे जो लंग्स हैं उनको इन्फेक्शन से बचाता है तथा सूजन वगैरह कफ कोल्ड से बचाता है। तो आप चाहें तो हफ्ते में 1-2 दिन ब्लूबेरीज वगैरह 5 से 10 वगैरह आप खा सकते हैं। उसके अलावा अलसी, अलसी का बीज आप जो है रोज़ाना ले सकते हैं 10 से 15। आप इसको दही में ले सकते हैं, आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, इसको आप ऐसे भी चबा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम होता है जो क्या होता है, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, मतलब ये क्या करता है, सांस लेने में मदद करता है। उसके अलावा कद्दू, बहुत कम ही लोग कद्दू खाना पसंद करते हैं, बट कुछ ही लोगों को पता होता है कद्दू में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड्स होता है जो हमारे लंग्स फेफड़ों के लिए ज़रूरी होता है, उनकी मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, उनके काम करने के लिए तथा उनके मसल्स डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप चाहें तो कद्दू को हफ्ते में 1 या 2 दिन इसकी सब्जी वगैरह आप खा सकते हैं। उसके अलावा टर्मरिक, इसको आप रोज़ाना के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ाना आप इसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं, उसके अलावा आप चाहें तो इसको अन्य रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, करक्यूमिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे लंग्स को क्या करता है, तंदुरुस्त रखता है, उनको इन्फेक्शन से बचाता है। उसके अलावा प्याज और लहसुन, ये हमें रोज़ाना खा सकते हैं और ज़्यादातर लोग ये खाते हैं सलाद के रूप में या सब्जी में। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सूजन को कम करते हैं तथा इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ में ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अब यदि हम बात करें फलियों की, तो फलियों में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आप इसको सब्जी के रूप में खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं या वेजिटेबल जूस वगैरह भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमने बात करी, जो क्या होता है कि हमारे लंग्स की सेहत के लिए तथा उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसके अलावा गाजर, गाजर को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, उसको सलाद में खा सकते हैं, जूस वगैरह आप इसको रोज़ाना ले सकते हैं, आप हर खाने में इसको शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं उनकी जो अंदर की मसल्स होती हैं उनके डेवलपमेंट में फ़ायदा करते हैं, जिससे क्या होता है आगे चल के आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होती तथा अस्थमा होने के चांसेस वगैरह कम रहते हैं। अब यदि हम बात करें अनार की, तो अनार के अंदर भी पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लंग्स के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। अब यदि हम बात करें ग्रीन टी की, तो इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जैसे कि जिसको बोलते हैं EGCG। इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ये क्या करता है, हमारे जो लंग्स है उसको रोगों से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है तथा मजबूत रखता है। तो ग्रीन टी आप चाहें तो रोज़ाना 1 या 2 बार पी सकते हैं। दूध, पनीर और दही, इनमें बहुत सारे अच्छे तत्व होते हैं जो हमारे लंग्स के लिए तथा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ए, सेलेनियम, मैग्नीशियम। ये क्या करते हैं, हमारी लंग्स की जो मसल्स होती हैं उनको मजबूत करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, तो साथ में हमारे लंग्स को इन्फेक्शन वगैरह से भी दूर रखते हैं। उसके अलावा सेब, रोज़ाना आप 1 एप्पल खा सकते हैं और कम से कम हफ्ते में 5 दिन एप्पल वगैरह आप ज़रूर खाएं। इसके अंदर विटामिन सी और फ्लेविनॉइड्स होते हैं जो हमारे लंग्स के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर से बचाते हैं। उसके अलावा अदरक, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अदरक के अंदर एंटी एलर्जिक और सूजन विरोधी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब हमारे लंग्स को इन्फेक्शन से बचाता है, उसको सेहतमंद रखता है। तो आप अदरक को रोज़ाना अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या अदरक का जूस वगैरह पी सकते हैं, अदरक वैसे भी चबा सकते हैं, तो काफ़ी ज़रूरी होता है अदरक हमारे खाने में। उसके अलावा टमाटर, बहुत सारे लोग टमाटर नहीं खाते हैं बट टमाटर भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो क्या करता है कि हमारे लंग कैंसर से बचाता है तथा साथ साथ में लंग्स को मजबूत भी रखता है।
उसके अलावा जो लास्ट में है वो जैतून का तेल, जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई होता है, जो हमारे लंग्स को मजबूत रखता है तथा उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पता लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड। अगर आपको अन्य वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ से रैम्बो।